अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज के सेशन में हमें अपन सुपर कीवर्ड का कंसेप्ट डिस्कस करना था और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट डिस्कस करना था, राइट। अब जैसा कि अगर अपन बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सुपर कीवर्ड का कंसेप्ट अगर मुझे यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, तो उससे पहले मुझे यहाँ पर सबसे पहले इनहेरिटेंस के कंसेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो अपन चलते हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनहेरिटेंस का, उसके बाद में फिर पहले सुपर कीवर्ड के एग्जांपल्स देखेंगे, फिर वापस से अपन इनहेरिटेंस पर आएंगे, राइट। तो अगर अपन बात करें इनहेरिटेंस मतलब बेसिकली होता क्या है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको लिखकर बताता हूँ इनहेरिटेंस मतलब क्या, और फिर बाद में अपन ये देखेंगे कि सुपर कीवर्ड मतलब क्या। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर इनहेरिटेंस की, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो अगर अपन इनहेरिटेंस की बात करें तो आप सुनती ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास में इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनादर क्लास। और आप क्या बोलेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, एक क्लास का ऑब्जेक्ट में इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनादर क्लास, मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, एड बेसिकली वर्क्स ऑन, है ना, इट बेसिकली वर्क्स ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, इट बेसिकली वर्क्स ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, है ना। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ये बेसिकली किस पे काम करता है, आपके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम करता है, है ना, वेयर पेरेंट इज ऑल्सो नोन एज सुपर क्लास और बेस क्लास, ठीक है, वेयर एज चाइल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, या चाइल्ड इज ऑल्सो नोन एज, है ना, क्या कहें यहाँ पे, सब क्लास, है ना, और डिराइव्ड क्लास। आप क्या बोलोगे, इट बेसिकली वर्क्स ऑन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, है ना, वेयर पेरेंट इज ऑल्सो नोन एज सुपर क्लास और बेस क्लास, वेयर एज चाइल्ड इज ऑल्सो नोन एज सब क्लास और डिराइव्ड क्लास, क्लियर है। मतलब इसमें आप क्या बोलोगे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने का काम करता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप बोल सकते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होंगे, तो इनहेरिटेंस के अगर टाइप्स की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले आता है आपके पास में क्या, सिंगल इनहेरिटेंस, फिर सेकेंड क्या आता है यहाँ पर, तो सेकेंड आता है आपके पास में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, और फिर थर्ड क्या आता है यहाँ पर, एच आई ई आर ए आर सी एच आई सी एल हेरिकल इनहेरिटेंस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आपके पास में तीन टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हेरारिकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर बचे हुए जो दो इनहेरिटेंस जो सी प्लस प्लस में एडिशनल है, आपके मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो वो यहाँ पर आपके कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपके पास में सिर्फ तीन ही टाइप के इनहेरिटेंस है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि इट इज इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास में इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, तो क्या और कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास में यहाँ पर एक क्लास है, लाइक मैंने बोला क्लास, क्लास में मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, पेरेंट, ठीक है। अब क्लास और मैंने पेरेंट लिखा, अब क्लास पेरेंट के बारे में अगर अपन बात करें, अब क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इंट रोल नंबर, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अपना स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर क्या करा है, तो इंट रोल नंबर, और स्ट्रिंग में मैंने लिखा है यहाँ पर नेम, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है, फ्लोट, फ्लोट में मैंने कितना लिख दिया है, परसेंटेज, राइट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये मेरी पेरेंट क्लास है, अब अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो इसके अलावा फिर मैंने लिखा है यहाँ पर क्लास, और क्लास में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, चाइल्ड, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्या, एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस के बाद में फिर अगर मैं बात करें और क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, इंट, मैंने लिख दिया है यहाँ पर पिन कोड, राइट, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब अगर मैं बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो अब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये तो आपने स्टूडेंट किया ऐसा देखा है ना, अब इस केस में क्या होगा यहाँ पर कि जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट होगा, है ना, यहाँ पर अगर मैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट की बात करूँ,
है ना, कि यहाँ पर जो आपके पास में पेरेंट का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो अब ये जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट होगा तो इस ऑब्जेक्ट के पास में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं इस पेरेंट के ऑब्जेक्ट की अगर बात करूँ, है ना, अगर ये पेरेंट के ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो इसके पास में क्या क्या होगा, तो इसके पास में यहाँ पे रोल नंबर होगा, इसके पास में यहाँ पे नेम होगा, और इसके पास में यहाँ पे परसेंटेज होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास में तीन ब्लॉक होंगे, एक होगा रोल नंबर का, एक होगा नेम का, और एक क्या होगा आपके परसेंटेज का। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो चाइल्ड क्लास है ना, तो चाइल्ड क्लास के केस में चाइल्ड क्लास का भी तो ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर मैं बात करूँ कि चाइल्ड क्लास का भी अगर ऑब्जेक्ट होगा, है ना, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है, और चाइल्ड क्लास का भी क्या होगा मेरे पास में, एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना। अब चाइल्ड का भी एक ऑब्जेक्ट होगा, तो अभी इनिशियली जितना मेरे को दिख रहा है तो उस हिसाब से मैं ऐसा बोलूंगा कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के पास में यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस होगा, और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के पास में क्या होगा, पिन कोड होगा। मतलब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के पास में यहाँ पर एड्रेस होगा और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के पास में यहाँ पर पिन कोड होगा। कोई दिक्कत? तो अभी अपने पास में इंडिविजुअल पेरेंट है, इंडिविजुअल यहाँ पर आपको क्या देके रखा है, चाइल्ड देके रखा हुआ है, राइट। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो अब अगर मैं दोनों के बीच में क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट करता हूँ, इनहेरिटेंस का। दोनों के बीच में मैं कौन सा कंसेप्ट इंप्लीमेंट करता हूँ यहाँ पर, इनहेरिटेंस का। तो अब अगर मैं यहाँ पर दोनों के बीच में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, तो अब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पर दोनों के बीच में अगर मेरे को इंप्लीमेंट करना है, तो वो दोनों के बीच में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होगा, कि अब यहाँ पर ये वाले चाइल्ड इस वाले पेरेंट को, है ना, मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास को क्या करेगी, अब इनहेरिट करेगी, है ना। चाइल्ड वाली क्लास पेरेंट क्लास को क्या करेगी यहाँ पर, इनहेरिट करेगी। तो अब जब ये क्लास इस क्लास को यहाँ पर इनहेरिट करेगी, है ना, तो अब अगर अपन बात करें कि अगर ये इस क्लास को इनहेरिट करेगी, तो इनहेरिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर वो क्लास उस क्लास को इनहेरिट करती है, तो यू सिंपली नीड टू राइट एक्सटेंड्स हियर। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटेंड्स लिखना पड़ेगा, कि जो चाइल्ड क्लास है अब वो क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। किसको एक्सटेंड करेगी, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगी, मतलब इनहेरिट करेगी। मतलब कैसे, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर अपन बात करें कि आपकी ही बात करें, है ना, तो आप आपके पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हो। जैसे बोलते हैं ना कि ये इनके पेरेंट्स जैसा दिखता है ना, उनकी जैसी स्माइल है ना, उनकी जैसे ईयर्स है, उनकी जैसी आईज है, उनके जैसा फेस कट है, तो आपने क्या करा है, उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, एक्वायर किया है। तो यहाँ पर भी अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। किसको एक्सटेंड करेगी, अपने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगी। तो उस केस में जो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा, पेरेंट के जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसको भी क्या करेगा, एक्वायर करेगा। मतलब क्या, कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, अब इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास में इसके खुद के एड्रेस और पिन कोड के लिए तो ये ब्लॉक्स थे, लेकिन अब जब इसने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक्सटेंड कर लिया है। किसको एक्सटेंड करा है, पेरेंट को, तो पेरेंट के जो ये रोल नंबर, नेम और ये परसेंटेज था, ये भी यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, अब तो ये भी यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। तो अब यहाँ पर इस केस में आप क्या बोलोगे, तो जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके पास में खुद के तो दो ब्लॉक थे साइड बाय साइड, ये रोल नंबर, ये नेम और परसेंटेज के लिए भी ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएंगे। तो इससे एक चीज ये समझ में आई कि पेरेंट के ऑब्जेक्ट के पास में तो तीन ब्लॉक ही है, लेकिन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने जब एक्सटेंड कर लिया है पेरेंट क्लास को, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करेगा। तो उसके पास में उसके खुद के तो जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो तो है ही है, साइड बाय साइड पेरेंट की भी जो तीन प्रॉपर्टीज थी वो भी उसके पास में एक्वायर हो गई है। क्लियर है क्या? तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर चाइल्ड के पास में कुछ नहीं होगा, तो वो पेरेंट के पास में जाके एक्सेस कर लेगा। इसको सिंपल टर्म्स में अगर अपन बात करें, तो आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे आपने कभी देखा होगा ट्रेन, है ना, ट्रेन में कभी आपने सफर किया होगा, राइट। तो अब अगर आपने देखा होगा कि आप जिस भी बोगी में है ना, S1 S2 S3 जो भी, जिसमें भी है आप, ठीक है, अब उसमें कोई सामान बेचने वाला आया, राइट। अब अगर इनकेस कभी ऐसा होता है कि यार वो आया और आपकी सीट से आगे निकल गया, है ना, आगे निकलते निकलते वो दूसरी बोगी में चले गया, तो क्या आप अपने उस बोगी से दूसरी बोगी में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं ना, अगर कनेक्टेड हुई तो। कनेक्टेड मतलब जो बीच में जो गैप रहता है वहां पर अगर बंद नहीं हुआ दरवाजा, तो आप एक से दूसरे के जा सकते हो। मतलब क्या कि आपकी बोगी में अगर वो नहीं मिला, तो आप दूसरी बोगी में जाके उसको सर्च कर रहे हो। मतलब आपके उस क्लास में अगर नहीं मिला है, तो आप दूसरी क्लास में जाके क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। मतलब कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर कुछ चीज को एक्सेस करना है, और अगर उसको उसकी क्लास में नहीं मिला है, तो ये जो बीच में आपने एक्सटेंड करके जो ये एरो बनाया है, इसका मतलब क्या कि चाइल्ड क्लास पेरेंट को इनहेरिट कर रही है। तो अगर चाइल्ड में अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है, तो आप पेरेंट में जाकर उसको एक्सेस कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे क्या फ्रेम होगा।
तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले अपन एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं बाय द नेम क्या, demo1.java, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है। अभी तो मैं सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ क्या, इनहेरिटेंस, ठीक है। मैंने सिंपली आके लिखा है क्लास पेरेंट, पेरेंट के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, तो पेरेंट के अंदर मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया सिंपली void display, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर system.out.println, और println अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपन लिखेंगे यहाँ पर display method call, ठीक है, display method call। अब अगर अपन बात करें अब क्या, मैंने यहाँ पर आके लिखा है क्या क्लास चाइल्ड, अपन यहाँ पर आ गए, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, अपन यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने कुछ इस तरीके से फ्रेम किया है ना, जिसमें आपने करा क्या है यहाँ पर, तो एक बार मैं ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपली पेरेंट क्लास बनाई है, पेरेंट क्लास के बाद में यहाँ पर आपने चाइल्ड क्लास क्रिएट करी है, ठीक है, और चाइल्ड क्लास के अंदर ही आपने यहाँ पर क्या बना कर रखा हुआ है, आपकी मेन मेथड बनाकर रखा हुआ है, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब यहाँ पर आपने सबसे पहला जो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया था वो कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें आपने यहाँ पर करा क्या था, तो जिसमें आपने यहाँ पर सबसे पहले है ना चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया था। अभी जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर था, इसमें आपने देखा कि चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, आपके पास में यहाँ पर पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, तो उसके इसमें प्रिंट क्या हो रहा था, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा था,
लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कंट्रोल तो आया था आपके चाइल्ड क्लास पे, उसको एंटर भी मिली थी चाइल्ड क्लास में, लेकिन वहाँ कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब वहाँ पे सुपर लिखा हुआ था, जिसकी वजह से वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर पर आ गया और उसने पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल प्रिंट करवा दिया। वहीं अगर मैं बात करूँ उसके अलावा, तो उसके अलावा फिर अपन ने यहाँ पर नेम का कंसेप्ट देखा कि मैंने यहाँ पर नेम लिखा और मैंने यहाँ पर भी क्या करा है, नेम लिखा, दोनों जगह मैंने नेम लिखा। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे क्या करा है, डिस्प्ले नाम के मेथड के अंदर दोनों के नाम को मैंने प्रिंट करवाने की कोशिश करी है। तो अब उस केस में दोनों के नाम को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो नेम नेम यहाँ पे चाइल्ड क्लास से ही नेम प्रिंट हो जाएगा, बट मैं चाहता था पेरेंट का नेम प्रिंट हो, तो मैंने यहाँ पे सुपर डॉट नेम लिख दिया, तो उससे पेरेंट का नेम आ जाएगा और सिंपल नेम में सिर्फ चाइल्ड का नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाई और उस मेथड के केस में मैंने शो नाम की मेथड यहाँ चाइल्ड में भी बनाई और शो नाम की मेथड मैंने पेरेंट में भी बनाई। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैं डिस्प्ले के अंदर आकर मैंने यहाँ पे शो और शो नाम के मेथड को कॉल करने की कोशिश करी है, तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे चाइल्ड क्लास की शो नाम की मेथड एक्सेस हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ पेरेंट की शो नाम की मेथड एक्सेस हो, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुपर डॉट शो, जिससे पेरेंट की यहाँ पे शो नाम की मेथड क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, और उसके बाद में फिर यहाँ पे चाइल्ड की शो नाम की मेथड एक्सेस हो जाएगी। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें ऐसा कोई दिक्कत? ठीक है, अब फिर अगर मैं बात करें तो ये तो कंसेप्ट किसका मैंने आपको बताया, सुपर कीवर्ड का, कि सुपर कीवर्ड आपका वेरिएबल मेथड और कंस्ट्रक्टर के साथ में क्या होता है, यूज में आता है। अब अगर मैं बात करें इसके बाद में फिर क्या आता है, तो इसके बाद में आता है आपके पास में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। अपन आ जाते हैं वापस से इनहेरिटेंस के कंसेप्ट पर, और जितने भी जो आपने टाइप्स देखे थे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, तो वो कैसे क्या वर्क फ्लो में काम करते हैं, तो अपन उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर अपन बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर पेंट पर। मैंने ये तो सारी चीजें यहाँ से हटा दी, मैंने यहाँ पर फिर से एक नया टैब ओपन किया। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर आपने तीन टाइप के इनहेरिटेंस लिखे थे, कौन कौन से, सिंगल इनहेरिटेंस है ना, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है ना, और फिर उसके बाद में क्या लिखा था आपने यहाँ पर, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले आपके पास में क्या आता है, तो सबसे पहले आता है आपके पास में सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब सिंगल इनहेरिटेंस के केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो सिंगल इनहेरिटेंस के केस में आप बोलोगे सिंगल चाइल्ड सिंगल पेरेंट, सिंगल चाइल्ड सिंगल पेरेंट, एक ही चाइल्ड होगा और एक ही क्या होगा यहाँ पर, पेरेंट होगा है ना, इसमें सिंगल इनहेरिटेंस में सिंगल चाइल्ड सिंगल पेरेंट। अब मतलब कैसे, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में एक पेरेंट क्लास होगी, तो ये यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास होगी। मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने सिंपली यहाँ पे बोला है पेरेंट क्लास, मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, चाइल्ड क्लास। कोई दिक्कत है क्या, मैंने पेरेंट क्लास लिख लिया, मैंने चाइल्ड क्लास लिख लिया। अब ये पेरेंट क्लास क्या करेगी, तो ये चाइल्ड क्लास क्या करेगी, तो चाइल्ड क्लास यहाँ पे पेरेंट वाली क्लास को क्या करेगी, इनहेरिट करने का क्या करेगी यहाँ पर काम। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने का क्या करेगी यहाँ पर, काम करेगी। तो अपन अभी काम करते हैं, अपन यहाँ पर एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं, जिसमें अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आकर जो आपका पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास के अंदर अपन एक क्लास बना लेते हैं वॉल्यूम नाम की क्लास है ना। मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, एक वॉल्यूम नाम की क्लास, और वहीं पर अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर आकर क्या बना लेते हैं, एरिया नाम की क्लास। समझ में आया क्या, तो मैंने एक वॉल्यूम नाम की क्लास बना ली और मैंने क्या बना ली, एक एरिया नाम की क्लास बना ली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पर दोनों के बीच में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, इनहेरिट करवाना चाहता हूँ, कि जहाँ पर जो एरिया नाम की क्लास है वो क्या हो, एक्सटेंड करे वॉल्यूम नाम की क्लास को, डिपेंडेंट हो वॉल्यूम नाम की क्लास पर। तो फिर अब उस केस में मैंने यहाँ पर सोचा कि अब करते क्या है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो डेटा मेंबर्स है, यहाँ पर जो एरिया है, तो एरिया के अंदर जो डेटा मेंबर्स आएंगे वो क्या लिख दिया मैंने, तो मैंने यहाँ पर एल कॉमा बी ही लिखा, इसके पास में क्या होगा, एल कॉमा बी ही होगा है ना। और वहीं अगर अपन बात करें, या अपन ने एक थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, अपन एक काम करते हैं, अपन ने थोड़ा सा वाइस वर्सा लिख दिया था, यहाँ पर अपन जो बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे अपन एरिया नाम से, और यहाँ अपन जो बनाएंगे वॉल्यूम नाम से,
ऐसा इसलिए क्योंकि जब अगर मैंने एरिया नीचे लिखा था और एल और बी मैंने वहां लिख दिया और वॉल्यूम में एल बी एच लिखूंगा तो उस एल बी को कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, सब तो उसको मिल जाएगा। अपन क्या करेंगे, अब मैंने ऊपर एरिया लिखा, नीचे वॉल्यूम लिखा, अब यहाँ पर मैंने बोला मुझे क्या निकालना है, तो मुझे यहाँ पे निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए अब इसके पास में क्या होगा, एल और बी तो इसके पास में होगा, अब मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम के केस में क्या निकालना है, एल इंटू बी इंटू एच। अब एल इंटू बी इंटू एच अगर निकालना है तो एल बी उसको कहाँ से मिल जाएगा, ऊपर से मिल जाएगा, तो इसको इसका किसका क्या यूज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एच ही यूज करना पड़ेगा, है ना। अब फिर अगर अपन बात करें कि अगर आपके पास में ये एल बी है और यहाँ पर एच है, अब उसके अलावा, तो अब उसके अलावा ये तो आपके डेटा मेंबर हो गए। मेंबर फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक मेथड बना दूंगा गेट एरिया, गेट एरिया नाम की मेथड क्या करेगी, ये गेट एरिया नाम की मेथड सिंपली रिटर्न कर देगी मुझे एरिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है रिटर्न, ये मेरे को क्या कर देगा एल इंटू भी रिटर्न कर देगा। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन अब यहाँ पे क्या बना लेंगे, तो मैं लिख लूंगा गेट वॉल्यूम, हाँ है ना, वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट एरिया अगर आपने ऊपर ही डिफाइन करके रखा हुआ है तो आपको क्या मिल जाएगा, गेट एरिया ऊपर से मिल जाएगा और इसमें आप इनटू क्या कर दोगे, एच कर दोगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। मेरे क्या यहाँ पर तो समझ में आया, मेरे क्या आता है सभी को, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे है ना चीजों को अपने को सेट करना है, फ्रेम करना है, तो अपन वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अपन आगे का, अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको सेव एज किया, मैंने यहाँ पर आकर करा डेमो 3। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस में अपन कौन सा इनहेरिटेंस देख रहे हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो मैंने ये तो सब कुछ हटा दिया और मैं पूरा ही हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने स्टार्टिंग से लिखा क्लास, क्लास में अपन क्या करेंगे, तो क्लास में मैंने लिख लिया यहाँ पर क्या, तो मैंने काम करते हैं यहाँ पर क्लास में अपन लिख लेते हैं एरिया, ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है इंट एल कॉमा बी। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा इंट गेट एरिया, और इंट गेट एरिया में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो इंट गेट एरिया के केस में है ना, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर होगा क्या, तो गेट एरिया के केस में अपन यहाँ पे कर देंगे रिटर्न एन इंटू बी, क्लियर है क्या, समझ में आया। लेकिन अब ये एल इंटू बी रिटर्न तो कर देगा, लेकिन ये एल और बी में वैल्यू सेट कहाँ से होगी, तो वो अपने को देखना है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा क्लास, क्लास में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है वी ओ एल यू एम ई वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो ये एक्सटेंड करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा यहाँ पर, एरिया को एक्सटेंड करने का काम करेगा। यहाँ पर अपन आ गए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके अंदर बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग ए आर जी एस, क्लियर क्या यहाँ तक, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने यहाँ पर, हाँ मैंने यहाँ पे इसके अंदर मेन मेथड बना दी, मैंने इसको भी यहाँ से कट किया, मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 3, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, मतलब मैंने डेमो 3 के अंदर मेन मेथड बनाई है, डेमो 3 के अंदर मैंने मेन मेथड बनाई है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मुझे यूजर से वैल्यू मुझे तो सिर्फ एल बी और एच की वैल्यू ही रिक्वायर्ड है, तो यूजर से वैल्यू कैट करूँ या डायरेक्टली लिख दूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आके लिखा है वॉल्यूम ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू वॉल्यूम, ये आपने ऐसा लिखा। अब इससे आप किसको कॉल करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या 2, 3 और 4, तो अब इससे क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम अब आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इंट लेंथ इंट ब्रेथ और इंट हाइट, है ना। कंट्रोल यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया तो वॉल्यूम के पास में तो खुद का क्या था, तो वॉल्यूम के पास में खुद का सिर्फ एच था, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर दिस डॉट एच इक्वल्स टू एच, ये वैल्यू तो सेट हो गई, तो उसके पास में खुद का एच था तो उसने एच को तो सेट कर लिया। एल और बी के लिए क्या करेगा, तो
अब एल और वी के लिए अपन कॉल कर देंगे किसको, यहाँ पे सुपर, और सुपर में मैंने पास कर दिया एल कॉमा वी। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी अब आपका एरिया का क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना, एरिया का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके अंदर फिर आप क्या करोगे, दिस डॉट एल इक्वल्स टू एल, और आप यहाँ देखोगे दिस डॉट बी इक्वल्स टू, क्लियर यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने सिंपली लिख दिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम के केस में मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे प्लस किया, मैंने लिखा ओबीजे डॉट, मैंने लिखा गेट वॉल्यूम, क्लियर है यहाँ तक। मैंने इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और मैंने वॉल्यूम के लिए क्या लिख दिया है, गेट एरिया, क्लियर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अभी गेट वॉल्यूम देके रखा हुआ है, तो मेरे को गेट वॉल्यूम नाम की मेथड बनाना रहेगी। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इंट, इंट में मैंने क्या लिखा, गेट वॉल्यूम, और गेट वॉल्यूम लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तब यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न में अपन क्या करेंगे एल इंटू बी इंटू एच, तो उसको एल इंटू बी भी ऊपर से मिल जाएगा। अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, गेट एरिया, गेट एरिया इंटू एच, तो गेट एरिया उसको उसकी क्लास में नहीं मिला, तो उसने एक्सटेंड करके रखा एरिया को, तो एरिया के पास में गया, उसने देखा गेट एरिया है क्या, हाँ गेट एरिया मिला, तो गेट एरिया इनटू वो क्या कर देगा यहाँ पर, एच कर देगा, क्लियर है यहाँ पर। मैंने इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको एक बार चला कर देखते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर अपना कौन सा एग्जाम्पल था, आई थिंक डेमो 3। यहाँ पर देखो ये कुछ गड़बड़ करी मैंने गेट एरिया में, तो हाँ यहाँ पर ये जो मैंने लिखा गेट एरिया इनटू एच, तो यहाँ पर फंक्शन आएगा ना, तो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होके आ रही है ना इनटू बी की। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आए, क्लियर है क्या, देख लो एक बार इसको, कंसेप्ट किसका है आपका, सिंगल इनहेरिटेंस का। इसमें आपने सुपर कीवर्ड का यूज किया है, इसमें आपने क्या किया है यहाँ पर, सुपर कीवर्ड का यूज किया है, और सुपर कीवर्ड का यूज करके आपने क्या करा है यहाँ पर, आपने आपके पेरेंट के अंदर डेटा को पास कराया। चलाकर देखिए इसको एक बार, ठीक है। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर आए अपन, एग्जाम्पल नंबर 3 था, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। आप एक बार फिर से इसको चलाकर देख लो, सिंगल इनहेरिटेंस का कांसेप्ट बताया, राइट। अब सिंगल इनहेरिटेंस के बाद में फिर आपके पास में क्या आता है, तो सिंगल इनहेरिटेंस के बाद में फिर आपके पास में आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, है ना। अब अगर मैं बात करूँ की मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है ना, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, मल्टी लेवल मतलब मल्टीपल लेवल्स, मल्टीपल लेवल्स मतलब एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल। तो अब उस केस में अपन कैसे क्या चीज़ों को फ्रेम करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, अगर मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ पर मल्टी लेवल की बात करेंगे, तो मल्टी लेवल की केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो मल्टी लेवल की केस में आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे, है ना, आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में होगा एक क्लास होगी ए, एक क्लास होगी बी, और एक क्लास होगी आपके पास में यहाँ पर सी, ठीक है।
मैंने क्या बोल दिया, एक क्लास होगी आपके पास में ए, एक क्लास होगी आपके पास में बी, और एक क्लास क्या होगी आपके पास में यहाँ पर सी। ठीक है, और यहाँ पर अब आप क्या बोलेंगे कि बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, ठीक है, सी क्लास आपके यहाँ पर बी को इनहेरिट करने का काम कर रही है। देर गया यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तभी जो ए क्लास है ये ए क्लास कैसे कंसिडर होगी यहाँ पे, अब बोल सकते हो यहाँ पर क्या, ग्रैंड पेरेंट है ना ऑफ क्लास सी और पेरेंट ऑफ क्लास बी है ना, ग्रैंड पेरेंट ऑफ क्लास सी। सी ए क्लास क्या है, ग्रैंड पेरेंट ऑफ क्लास सी है और पेरेंट है किसकी, क्लास बी की। फिर अब बी क्लास की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे पेरेंट ऑफ क्लास ए है ना, और हाँ पेरेंट ऑफ क्लास सी। ए तो क्या है, ग्रैंड पेरेंट ऑफ क्लास सी और पेरेंट ऑफ क्लास बी। बी क्या है, पेरेंट ऑफ क्लास सी और चाइल्ड ऑफ क्लास ए। और यहाँ पे सी क्लास क्या कंसिडर होगी, आप ऐसा बोलोगे यहाँ पे चाइल्ड ऑफ क्लास बी, चाइल्ड ऑफ क्लास है ना, सी क्या है, चाइल्ड ऑफ क्लास बी और चाइल्ड ऑफ क्लास ए, बोल सकते हैं अपन ऐसा। क्लियर है, अपन इसको अपन एक एग्जांपल से फ्रेम करते हैं। अब एग्जांपल में क्या फ्रेम करेंगे अपन यहाँ पे, तो ध्यान से देखना मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है अकाउंट है ना। एक अपन अकाउंट नाम की क्लास बना लेंगे, एक अपन बैलेंस नाम की क्लास बना लेंगे, और एक अपन यहाँ पे ट्रांजेक्शन नाम की क्लास बना लेंगे। अब इसमें अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आकर है ना सिंपली अमाउंट के अंदर, अकाउंट के अंदर क्या दे देंगे, नेम और अकाउंट नंबर। बैलेंस के अंदर अपन क्या दे देंगे, बैलेंस, और ट्रांजेक्शन के अंदर अपन क्या रखेंगे, तो विड्रॉवल अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक है ना, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि आपने आपकी अकाउंट क्लास के अंदर क्या रखा है, नेम रखा है ना, और इधर से क्या रखा है, ये अकाउंट नंबर। बैलेंस के अंदर तो सिर्फ बैलेंस ही है, और ट्रांजेक्शन के अंदर आपके पास में विड्रॉवल अमाउंट है और डिपॉजिट अमाउंट। क्लियर है, अपन अब यहाँ पर डेटा को जो सेट करवाएंगे वो कैसे सेट करवाएंगे, तो अपने यहाँ पर वही ट्रांजेक्शन का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसके अंदर सुपर लगाएंगे, उससे बैलेंस पे डेटा पहुंचाएंगे, बैलेंस से फिर अपन यहाँ पर अकाउंट पर डेटा पहुंचाएंगे। क्लियर है, तो अब क्या और कैसे है ना, तो वो अपने को यहाँ पर देखना है। अब ये चीजें समझ में आई ना, अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन विड्रॉल अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट बैलेंस और नेम और अकाउंट नंबर, देखिए इसका एग्जाम्पल। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव एस किया, सेव एस करके मैंने 3 की जगह यहाँ पे करा 4। प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, MULTILEVEL मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ले रहे यहाँ तक, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने सब कुछ हटा दिया। अब ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, सबसे पहले अपन कौन सी क्लास बनाएंगे यहाँ पर, एक अकाउंट नाम की क्लास बनाएंगे, फिर उसके बाद में मैं एक और कौन सी क्लास बनाऊंगा, नहीं बैलेंस, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक और कौन सी क्लास बनाऊंगा, है ना ट्रांजेक्शन है ना, नाम की एक क्लास बनाएंगे। क्लियर है, उसके बाद में फिर मैं एक और कौन सी क्लास बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे कर दिया कौन सा, डेमो 4। डेमो 4 के अंदर अपन क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग ARGS। यहाँ पर आ गए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर वेंट विड्रॉवल अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट होगा, बैलेंस के अंदर क्या होगा, एंड बैलेंस ही होगा, और अकाउंट के अंदर क्या होगा, तो एंड अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, और फिर और इसके अलावा और क्या होगा, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में अगर क्या होगा, नेम होगा। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है।
फिर अगर मैं बात करें अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है ट्रांजेक्शन, मैंने ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ट्रांजेक्शन मैंने ऐसा लिखा। अब इसके अंदर क्या क्या जाएगा, तो अब इसके अंदर जाएगा सबसे पहले तो आपका अकाउंट नंबर, ठीक है। तो अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर के बाद में फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में नेम, तो आपने लिख दिया यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन, ठीक है। फिर उसके अंदर जाएगा बैलेंस, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 90,000। बैलेंस के बाद में क्या जाएगा विड्रॉवल अमाउंट, तो विड्रॉवल अमाउंट में मैंने इतना लिख दिया, डिपॉजिट अमाउंट तो मैंने यहाँ पर इतना कुछ लिख दिया, क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है तो इससे क्या होगा, तो कंट्रोल ऊपर आएगा, ट्रांजेक्शन की केस में यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजेक्शन का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में सबसे पहले तो इंट अकाउंट नंबर, इंट अकाउंट नंबर के बाद में क्या आएगा, तो फिर इसके बाद में आएगा यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम के बाद में क्या आएगा, फिर यहाँ पर इंट बैलेंस, फिर क्या आएगा इंट विड्रॉवल अमाउंट, और इंट यहाँ पर कितना जाएगा डिपॉजिट अमाउंट। यहाँ पर अपन आ गए, अब यहाँ पर आने के बाद में विड्रॉवल अमाउंट तो इसके पास में खुद का है, इसने इसका खुद का विड्रॉवल अमाउंट इक्वल्स टू विड्रॉवल अमाउंट रख लिया, इसके पास में इसका खुद का क्या है डिपॉजिट अमाउंट, तो दिस डॉट है ना डिपॉजिट अमाउंट इक्वल्स टू डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। और आप अगर अपन बात करें बाकियों के लिए, तो बाकियों के केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो बाकियों के केस में आप लिखोगे यहाँ पर सुपर, और सुपर में आप क्या पास कर दोगे, तो आप पास कर दोगे अकाउंट नंबर, आप लिखोगे यहाँ पर नेम, नेम के बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पर बैलेंस, अकाउंट नंबर नेम और बैलेंस, विड्रॉवल अमाउंट और अकाउंट डिपॉजिट अमाउंट तो आपका हो गया है ना। तो यहाँ से आप कहाँ जाओगे, तो यहाँ से आपका बैलेंस पर जाओगे, तो यहाँ पर बी एल एन सी बैलेंस, बैलेंस केस में क्या होगा, तो इंट यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में अकाउंट नंबर, यहाँ पर फिर क्या जाएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या जाएगा नेम, और फिर यहाँ पर क्या आएगा इंट, इंट में आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस, ठीक है। आप यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, बैल पास कर रहे हो, आपने ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा, तो बैलेंस है तो दिस डॉट बी एल इक्वल्स टू बी एल, बैलेंस तो सेट हो गया। बाकियों के लिए, तो बाकियों के लिए आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपली सुपर, सुपर में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर अकाउंट नंबर कॉमा, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है नेम, तो आप यहाँ पर आ गए। यहाँ अगर आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे एरिया नहीं अकाउंट, और अकाउंट के केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंट अकाउंट नंबर, और इंट अकाउंट नंबर के बाद आप लिखोगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है नेम। अब इससे ऊपर जाने का तो कुछ अल्टरनेटिव है ही नहीं आपके पास में, तो आप क्या करोगे दिस डॉट अकाउंट नंबर equals to account number लिखा, और आप क्या लिखोगे यहाँ पे this dot name equals to name, ठीक है। कहाँ पे नहीं यहाँ तक, अभी तो अपन ने लिख दिया, अब क्या करना है, तब आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट भी तो करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं अभी यहाँ पे, और मैंने इस ओबीजे से यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल कर दिया। अब मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा void display, void display पर यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पर system dot out dot print ln, और print ln में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली अपने को जो प्रिंट करवाना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे withdrawal amount, और प्लस करके मैंने किसको प्रिंट करवा दिया, विड्रॉवल अमाउंट को प्रिंट करवा दिया, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा डिपॉजिट अमाउंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिपॉजिट अमाउंट, तो विड्रॉवल अमाउंट आ गया, डिपॉजिट अमाउंट आ गया, और उसके बाद अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट या जगह पे प्रिंट एल एन, यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं फाइनल बैलेंस, तो फाइनल बैलेंस ऐसे मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, तो बैलेंस प्लस है ना डिपॉजिट अमाउंट माइनस विड्रॉवल अमाउंट, यही करोगे ना, बैलेंस में जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको ऐड करोगे और माइनस को विड्रॉवल अमाउंट कर दोगे, और उसके पहले आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, तो इसके पहले आप बैलेंस प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसको कॉल कर लोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर दोगे डिस्प्ले बैलेंस, यहाँ से कंट्रोल कहाँ से ले जाएगा, डिस्प्ले बैलेंस बोले तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर आए void, आपने लिखा डिस्प्ले बैलेंस, डिस्प्ले बैलेंस के केस में यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर आप लिखोगे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा प्रिंट एल एन, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे बी एल एन सी बैलेंस, यहाँ पर अगर आपने क्या प्लस कर दिया, तो आपने प्लस कर दिया बी एल, लेकिन इसके भी पहले आप क्या कर दोगे, तो डिस्प्ले अकाउंट डिटेल्स, आपने इसको कॉल कर दिया,
कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, void display account details। अब यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा पे प्रिंट ln, और प्रिंट ln में आप क्या कर दोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर अकाउंट नंबर प्लस actno अकाउंट नंबर, और फिर आप क्या कर दोगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट ln, और प्रिंट ln में आप क्या लिख दोगे यहाँ पर नेम। आपने अभी क्या करा है, प्लस करा है, आपने यहाँ पे नेम को प्रिंट करवा दिया। क्लियर है, समझ में आया? एक बार इसको चलाकर देख लेते अपन। मैंने इसे सेव किया, हाँ एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आप आए, यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, एक्सटेंड, यहाँ पर लिखोगे आप बैलेंस, और ये जो बैलेंस है ये क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, यहाँ पर ये अकाउंट। अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने करा फोर। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक गड़बड़ कर दी अपन ने, वहाँ इंटीजर लिखा था और मैं स्ट्रिंग में नंबर दे रहा हूँ, इंट लिखा था ना, है ना, ये आपका अकाउंट नंबर क्या है इंटीजर में, है ना, ठीक है। तो आप वापस आए यहाँ पर, आपने यहाँ पर आकर क्या किया, स्ट्रिंग को क्लियर किया, आपने फिर से कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ। आप यहाँ पर आए, देखो अकाउंट नंबर, फिर नेम, फिर बैलेंस, फिर विड्रॉल अमाउंट, फिर डिपॉजिट अमाउंट, और फिर क्या क्या, फाइनल बैलेंस। क्लियर क्या आता है सभी को, इसमें किसी कोई दिक्कत, ठीक है, एक बार देख लो इसको। हाँ कितने भी क्लास बना सकते हो, और वो एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास सिंगल पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने का क्या करेगी, काम करेगी। तो फिर वो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट फिर अपन डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।